वेलकम बैक गाइज दिस इज सुपर क्विक रिविजन एक्सटर्नल प्राइसिंग एंड वी आर बी फिनिशिंग ऑफ दिस दिस एंटायर चैप्टर विद सुपर क्विक दिसन ओनली ओके सो वी आर स्टार्टिंग अवे विद क्वेश्चन नंबर अभी तक जो भी किया है सुपर क्विक रिविजन वन के अंदर है अभी बाकी जो अपने सम्स वगैरह थे सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर वॉट व्यू ऑल हेट लर्न एक कोई कंपनी है दो सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है दो सिमिलर प्रोडक्ट्स ओके यू हैव सनी एंड डीलेक्स देन इन दैट पर्टिकुलर केस तुम्हारा प्राइसिंग कैसे होना चाहिए सबने अपने को एक बेकार आइडिया दिया एंड दैट वॉज कि आप लोग अपने जो प्राइसेज हैं फिक्स करो ईदर बायजिंग अ पोर्शनमेंट ऑफ फिक्सड कॉस्ट बेस्ड अपॉन मशीन आर्ट्स और बेस्ड अपॉन लेबर आर्ट्स दट इज एब्सॉर्ब्शन कॉस्टिंग वॉर बी टोल्ड टूवर्ड्स इन की द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी फिक्स Like this, the prices of the product should only be fixed by using one thing, and that is what you should try to be seeing what's the difference between the products. If the difference between the products is way too high, then the prices should be far apart. If suppose the difference between the two products is not very high, then in that case, prices should be very near to each other. If luck by chance, if luck by chance, uh,

It is one of the best question, that is all about a company uh, That is all about if a company has two similar products with some feature difference, what should be the pricing In part 1, we have to make a statement to find the selling prices based upon apportionment being done based upon machine hours or based upon laborers In part 2, we discuss how selling price should not be based on accounting apportionment

हम लोग कोई एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने वाला है हम लोगों ने सोच के रखा हो या ट्वेंटी के ऊपर करेंगे या ट्वेंटी फाइव के ऊपर करेंगे या फोर्टी के ऊपर करेंगे अगर ट्वेंटी के ऊपर करेंगे देर आर थ्री ऑप्शन या चार हजार यूनिट का डिमांड आएगा या छह हजार या आठ हजार हर एक इवेंट का होने का जो प्रॉबिबिलिटी है वो ये है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तुम्हारा जो है वो इतना लग जाएगा सेम वे ट्वेंटी के लिए चार ऑप्शन थे सेम वे फोर्टी के लिए चार ऑप्शन थे यू हैड टू बी सिलेक्टिंग विच आउट ऑफ द थ्री सेलिंग प्राइसेज इज बी बेस्ट फॉर यू सो वी अ वेरी सिंपल आइडिया जिधर भी अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा विल गो फॉर दैट सब भी अपने को यही वाला चीज वो दिया हुआ था एंड दैट थिंग वॉज कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू मतलब कितना पैसा मिलेगा सो देट विल बी नथिंग बट प्रॉफिट लेकिन सम वॉज ऑन प्रोबेबिलिटी इन स्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट वील ट्राई टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालते निकालते वी लाइक टू यूज प्रॉबिबिलिटी एज अ वेट्स ओके सो वीथो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग प्रॉबिबिलिटी एज अ वेट ठीक है तो अपने को क्या चाहिए सेलिंग प्राइस अगर ट्वेंटी होगा चार हजार यूनिट का अगर डिमांड आएगा तो भाई प्रॉफिट कितना होगा 6000 यूनिट का डिमांड आएगा प्रॉफिट कितना होगा 8000 यूनिट का डिमांड आएगा प्रॉफिट कितना होगा एक बार अपने को तीन को तीन प्रॉफिट्स मिल गए यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी टू अराइव एट एवरेज प्रॉफिट ठीक है तो हम लोगों ने वही वाला काम करना स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन के अंदर सेम वे फॉर ट्वेंटी सेम वे फॉर फोर्टी अभी निकालने मतलब ये जो प्रॉफिट है वो निकालने के लिए एवरीथिंग वॉज देयर विद एक चीज नहीं था दैट वॉज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज सम के अंदर इन्ग्रीडियंट्स ऑफ वेरिएस्ट वे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैड मटीरियल्स दैट इज एक्स जो मटीरियल एक्स था ना इन दिस पर्टिक्युलर केस वॉज इट वॉज इन रेग्युलर यूज सो दे रेलिवेंट कॉज विल बी रिप्लेसमेंट कॉज यू ऑल चैम्पियस इन दैट नाउ सेकेंड पार्ट मटीरियल वाई जो अपना था दैट वॉज स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ था बेचने वाले थे अभी मत बेचना यूज कर लेना सो दे फोर अपना एक चीज अपने पास 16,000 थाउजेंड यूनिट स्टॉक के अंदर था एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए टू यूनिट्स ही चाहिए सो दे इन दैट पर्टिकुलर केस अपू एट थाउजेंड यूनिट्स अप टू एट थाउजेंड यूनिट्स इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर uh, अपना जो पैसा है वो बचेगा ओके क्योंकि ये वाला ऑफर नहीं आता तो हम लोग अपना स्टॉक बेचने वाले थे अभी मत बेचो अभी मत बेचो और यूज कर लो सो so दे अपना यहां पे पैसा बच जाएगा लेकिन अगर 8000 यूनिट के ऊपर बना दिया देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग को यहां पर एक्स्ट्रा खर्चा होगा बिकॉज यू लैव टू वोड द मार्केट एंड बाई ग्रेड वन और ग्रेड टू लेबर्स जो थे वो ईजी वाला काम था लेकिन अपने पास चार यूनिट का स्पेयर टाइम था तो देख लेने का कि चार आर्स के अंदर सॉरी चार हजार जितना अपने पास स्पेयर टाइम था तो देख लेने का कि चार हजार घंटों के अंदर कितना यूनिट्स बन सकता था तब तक अपना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है लेकिन एक बार वो टाइम यूज वगैरह वो हो जाएगा उसके बाद इन दिस केस वी डिड हैव कॉस्ट सच तो हम लोगों ने यहां पर कुछ लैबरेट वगैरह तो वो बनाए थे ठीक है उसके बाद एक वेरिएबल ओवरहेड्स वाला कॉस्ट भी था जो वेरिएबल ओवरहेड वाला कॉस्ट था वो इजी था बेटा एक यूनिट बनाने के लिए टू आवर्स लगता है वन आवर लगता है इन ऑल थ्री आवर्स लगता है ओके थ्री आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज टू पर आवर जो वेरिएबल ओवरहेड था सो देयरफॉर वाज आवर कॉस्ट सच ठीक है दिस वॉज ऑल टूगेदर टाइम फिक्स कॉस्ट सारा का सारा इरेवेंट ही था सामने वो लिखा भी हुआ था फालतू सा एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया था लेकिन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट ठीक वंस वी फाउंड आउट ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट देन वी देम बेस्ड अपॉन द कैटेगरीज फिर उसके बाद हम लोगों ने स्लैब रेट्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट जो है तो वो निकाल लिया और फिर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू निकाल लिया ठीक है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन था ऑल्दो तो वहां पर एक और चीज भी आया था क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर और वो क्या था In usual cases, that option uh, is the best where the profit is higher. Okay? In this problem, that selling price is best wherever profit is highest. Probability is a concept used to determine single outcome, average outcome, instead of many. If we want average profit, find the, all the cases for profit and then apply probability to it to find out average profit. Okay? very good adjustments for material and labor that i required okay which also requires lab deals. once that is done we find out the average profit abi the second wala part tha na, that was all about he company average profit nikal bilitha like but average profit why it might not be used in real life to determine the best course of action तो हम लोगों ने ना फिर प्रोबेबिलिटी टेक्निक को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि प्रोबेबिलिटी से जो आंसर आता है ना दैट इज नेवर एवर पॉसिबल हम लोग बस प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल देते हैं यूजिंग द प्रोबेबिलिटी बट दैट आउटकम इज एवर पॉसिबल देन इन रियल लाइफ हाउ डू वी डिटर्मिन विच इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बाई डूइंग रिस्क एनालिसिस रिस्क इन एनालिसिस अभी रिस्क एनालिसिस क्या होता है ओके okay.

कि आपको कोई सिचुएशन रिस्की लगता है कि नहीं लगता है सेकंड इज योर विल और इंक्लिनेशन दैट इज लाइक यू नो आपको कुछ काम करना है कि नहीं करना आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना एंड थर्ड इज योर केपेबिलिटी दैट्स योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ओके सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स विल यूजअली डिसाइड विच द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो पॉइंट नंबर फोर और पॉइंट नंबर फाइव के अंदर एक्जैक्टली टोल द सेम पर्टिकुलर थिंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स अस टू द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी टेक्निक दैट गेट्स एक्सपोज द फाइनल आउटकम इज नॉट पॉसिबल And that is the final outcome is not possible. So the final outcome hota hai, that is not possible. In comments, we do say that use a probability to assess risk cannot compute the final outcome as that is not possible. Risk has three components: perception, inclination, and capability. This was a three-star question, so ensure that you are going to be doing this particular question towards the end also. Oskibath question number six. Jo क्वेश्चन नंबर सिक्स अ टू स्टार क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन था ये किसके बारे में था ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में था अभी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इन दिस केस का मतलब क्या होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू थिंग्स हैपनिंग वन आफ्टर द अदर ओके और उसके लिए प्लीज मल्टीप्लाई द टू प्रोबेबिलिटीज़ डू नॉट एड दो थिंग्स ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन था वैसे बहुत सिंपल था यहां पे यू अगेन हैड टू बी ट्राई टू बी डिसाइडिंग कि जो एम डी कंपनी है ओके वो अपना जो सेलिंग प्राइस है 1 रखे के 1 .1 रखे कि कि रख दे ओके वर थ्री ऑप्शन वी हैड टू बी डिसाइडिंग दैट इज द बेस्ट ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा वो वाला ऑप्शन होगा जिधर इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा प्रॉफिट विल बी हाई लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वगैरह ना इन दिस केस

दे फॉर वी थॉट हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए लेकिन सम वॉज अगेन ऑन प्रोबेबिलिटी सो देटिकुलर केस वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन जहां पर एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन एवरेज मतलब वेटेड एवरेज और वेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे हाईस्ट हम लोगों ने वही वाला काम करना स्टार्ट किया बस एक छोटा सा चीज आई गिव यू एटलीस्ट लाइक यू नो वॉट एव यू ऑल एम डी अपना प्राइस वन पॉइंट टू रखेगा सी एन बी अपना प्राइस वन पॉइंट टू रखेगा ये दोनों अपना प्राइस वन पॉइंट टू रखेगा उसका होने का जो चांस है इस टेबल के अंदर था दैट वाज जीरो पॉइंट टू सेम वे एमडी अपना प्राइस सॉरी सीएन अपना प्राइस वन पॉइंट टू रखेगा के भी अपना प्राइस वन पॉइंट टू ये दोनों अपना प्राइस वन पॉइंट टू रखेंगे इसका होने का जो प्रोबेबिलिटी था वो उसके नेक्स्ट टेबल के अंदर था दैट वाज 0.1 तो ये सारा का सारा जो इवेंट है वो होने का जो प्रोबेबिलिटी था दैट विल बी नथिंग बट जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0.2 0.1 दैट इज 0.02 दैट्स इट ओके और उससे अपना यहां पर जो आंसर्स वगैरह है वो आ गया था ठीक है चलो ये वाला जो काम है ये हो गया था ठीक है अभी आगे चल पड़ते हैं लेट्स ये तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन था एक बार बस मैं पढ़ देता हूं कि यहां पे क्या लिखा था इट इज अ प्रॉब्लम विद ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इवेंट इन टू द प्रोबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट इन यूजल केसेज दैट ऑप्शन इज बेस्ट इन दिस केस अगेन द सेलिंग प्राइस वेयर प्रॉफिट इज हाइएस्ट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम होनी हैंस वी गो फॉर दैट सेलिंग प्राइस वेर बाय गेट हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज ऑन प्रोबिलिटी हेन्स वी गो फॉर दैट ऑप्शन वेर वी गेट हाइएस्ट एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि सम जो था बेटा वो प्रॉबिबिलिटी के ऊपर था ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एट फिर उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर नाइन आ गया था अभी क्वेश्चन नंबर नाइन ना बेटा ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ठीक है बट आई स्टिल कॉल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ टू स्टार क्वेश्चन क्योंकि उसका मिलता जुलता क्वेश्चन हैव ऑल मतलब लाइक यू नो हैज ऑलरेडी बीन आस इन एग्जाम्स आल्सो ओके वो ये वाला क्वेश्चन था बट स्टिल लाइक यू नो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जो क्वेश्चन नंबर नाइन था इन दिस केस दैट वॉज ऑल अबाउट वट जो क्वेश्चन अपना नाइन था uh, बजटेड कॉस्ट यहां पे अयोध्या लिमिटेड का ये वाला जो है तो वो दिया हुआ था एक आपको यूनिट दिया हुआ था वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और ऐसा दिया हुआ था कि हम लोग को कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चाहिए ये करने के बाद ना हम लोगों ने सेलिंग प्राइस निकाल लिया कुछ पचास रुपए आ गया था ठीक है तो अगर आपको दो लाख यूनिट वो बेचना है जो आपका मन है प्लस आपको वो वाला प्रॉफिट चाहिए जो आपका मन है तो आपको जो सेलिंग प्राइस है ना फिफ्टी रुपीज का करना पड़ेगा तो फिर आप लोगों ने मार्केट रिसर्च करवाया और पता चला फिफ्टी रूपीज का प्राइस रखेगा ना भाई तो टू लाख यूनिट्स नहीं बिकेगा सिर्फ वन लाख फोर्टी थाउजेंड यूनिट ही बिकेगा सो वट एवर वी ऑल वॉन्ट इज नॉट पॉसिबल सो देन वॉट टू डू तो देन दे इज ओनली वन थिंग वट एवर इज पॉसिबल यू ट्राई टू बी दैट सो दिस इज अ फर्स्ट इवेंट दिज अ सेकेंड इवेंट इज अ थर्ड इवेंट दज अ फोर्थ इवेंट इज अफ्थ इवेंट तो यहाँ सेलिंग प्राइस फोर्टी फौर्त रखो इतना यूनिट्स का डिमांड आएगा बढ़ा दो तो कम हो जाएगा और बढ़ा दो तो कम हो जाएगा ऐसा पांच ऑप्शन था ट्राई टू बी सेइंग कि सर वो वाला ऑप्शन ही अच्छा होता है जिधर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है तो चलो ठीक है प्रॉफिट किधर सबसे ज्यादा सबसे तो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट वगैरह तो वो बना लिया हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकाल लिया रुपीज वाला प्लस हम लोगों ने एक और चीज भी निकाला कि वी ट्राई टू फाइंड आउट मार्कअप परसेंटेज ऑन कॉस्ट क्योंकि करंटली कंपनी को कुछ मार्कअप चाहिए था ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये सब कुछ करने के बाद पता चला दिस इज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इस पर दो एडवांटेजेस। फर्स्ट अपना एब्सोल्यूट प्रॉफिट सबसे ज्यादा आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके सेकेंड थिंग यहां पे अपना जो वो मार्कअप का क्राइटेरिया है ना 25 परसेंट वाला वो भी मीट हो ही जाता है सो सुदयपुर वी सेट दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन याद रखना यहां परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज द हाइएस्ट ओके लास्ट वाले केस के अंदर ऑफ समथिंग बट वी ऑलवेज से वो ऑप्शन सबसे अच्छा होता है जिधर तुम्हारा टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा टोटल प्रॉफिट ठीक है और यहाँ पे एक और एज ए टोल की एडवांटेज भी था कि यहाँ पे मार्कअप ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट भी यहाँ पर हो जाता है ऑल दो लाख यूनिट नहीं बिक पाएगा बट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल ठीक है एक्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर टेन्थ था वो भी वैसे था मैं नाइन्थ का एक बार जो शॉर्ट है वो पढ़ देता हूँ इन दिस प्रॉब्लम वी फॉलो कॉस्ट प्लस मार्कअप Based upon 2 lakh units, we get selling price of 50. Market research tells us at 50, only 140,000 units will be sold. Therefore, what we want is not possible. We evaluate the options which are possible, we select the option with the highest profit. That selling price was rupees 56. It satisfied one other criteria also that it gave a company 25% markup. Also, question 10 be almost. फिर उसके बाद भी स्टार्टेड अवे विद क्वेश्चन नंबर इलेवन जो क्वेश्चन नंबर इलेवन था इन दिस केस दिस वॉज ऑल अबाउट अ केस स्टडी जहां पर कोई कंपनी है जिसने पहले कार्स वगैरह लॉन्च किया था ठीक है उनका कार बहुत अच्छा था लेकिन इतने कम प्राइस के ऊपर लॉन्च किया कि डिमांड बहुत बढ़ गया सप्लाई का बहुत तकलीफ था तो इन दिस केस हम लोग जो है हम लोग कार के मैन्युफैक्चरर्स थे एक्सिलेंट कार्स बनाकर अगर सस्ते प्राइस के ऊपर तो वो बेचोगे डिमांड ज्यादा तो आएगा ही आएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना ज्यादा गैप हुआ कि जिन लोगों को कार चाहिए था दे हैव टू बी वेटिंग फॉर टू इयर्स, तो वो लोगों ने ना सेकेंड हैंड कार ऐसा खरीदना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम दोज पीपल जिन लोगों को डिलीवरी मिल रहा था और अपना कार इतना तगड़ा था दैट इट वॉज सोल्ड एट यहां पे कुछ वो लिखा हुआ है फिफ्टी मोर देन द लिस्ट प्राइस द कंपनी वॉज सेलिंग तो नाउ सम हेड आस अभी एक न्यू कार ऐसा ही लॉन्च करने वाले हैं व्हाट शुड बी आवर प्राइसिंग स्ट्रेटजी यहां स्किमिंग फॉलो करने वाले हो या पेनिट्रेशन वी ट्राई टू से ऐसे केसेस के स्किमिंग विल बी अ फार 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 बेटर ऑप्शन व्हाई क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा प्राइस के ऊपर लॉन्च करेंगे ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगा सप्लाई के साथ इक्वेट हो जाएगा सेकंड हैंड कार मार्केट विल गो अवे एंड द प्रोडक्ट वॉज सपोज टू बी अग्जेक्यूटिव प्रोडक्ट सो देव ही होना चाहिए दैट्स इट वो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन था Question number eleven. Uh, it is a case scenario, so not a case study. It was a case scenario, a case study. A product is about to be launched. We have to think to launch it at a high price or a low price. We are a car manufacturing company. In past, we have launched cars which are excellent, but at less price, due to which demand was high, supply was a problem, and hence second hand car market had started. All this was because of low prices. We recommend the the skimming approach to remove the above problems. Okay, chalo. न एक्स्ट्रा थिंग ये चीज मैंने तुम लोग को वो बोला था वन एक्स्ट्रा थिंग आई टोल्ड दैट कंपनी न्यू ब्रांड ऑफ प्रीमियम कार्स एक नया ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो जहां पर यू विल ओनली सेल द प्रीमियम कार्स लाइक दिस दैट माइट बी फार बेटर ताकि द गुड विल ऑफ द ओल्ड कंपनी डज नॉट इंटरफेयर इन द ब्रांड वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी ठीक है चलिए यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो अभी तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन दिस पर्टिकुलर केस अपने को एक ऑफर वगैरह वो आया था आ, इस ऑफ़र के अंदर कंपनी करेंटली कुछ ना कुछ वो करने वाला था उन लोगों ने कुछ ना कुछ एक बजट वगैरह भी बनाया था उनके बजट्स अचीव होने वाले थे तो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट वगैरह रिकवर अपने हो जाते ठीक है अभी एक नया ऑर्डर आया है अपने को वो वाला जो कस्टमर है थोड़ा सा प्राइस कॉन्शियस है वो बोलता है मैं इतना ही प्राइस देगा तो वी ट्राई टू बी सेइंग सच ऑर्डर शुड नॉट बी वैलुएटेड बेस्ड अपॉन टोटल कॉस्ट प्लस दे शुड बी वैल्युएटेड बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्ट प्लस तो हम लोगों ने बस क्या किया जितना कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है हम लोगों ने उसके ने से अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट सब ट्रैक कर दिया एंड के ना वो प्रॉफिट आया आयाल टोल्ड यस कॉस्ट अपना एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो वो इग्नोर किया एक और वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा सेल्स कमीशन नहीं लगेगा क्यों क्योंकि कस्टमर हैज अप्रोच द कंपनी तो अपना यहां का खर्चा नहीं होगा एंड के अंदर वी गेव अपना प्राइस अगर एक कस्टमर के लिए कम करोगे नॉट अ बैड आइडिया लेकिन अगर अपने रेगुलर कस्टमर्स को पता चल जाएगा उन लोग को शायद बुरा लगे या फिर शायद वो लोग भी डिस्काउंट मांगना स्टार्ट कर दे दो पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखा था कंपनी गेट्स एन ऑर्डर एंड हैज कोटेड कस्टमर बेस्ड ऑन टोल कॉस्ट प्लस कस्टमर विल पे लेस वी हैव टू इवेल्युएट वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट वी आरग्यू दैट फिक्सड कॉस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम नॉर्मल सेल्स लेट्स इवेल्युएट दिस ऑर्डर बेस्ड अपॉन मार्जिनल कॉस्ट प्लस सेल्स will विल pay नॉट payable as कस्टमर has approached the company directly. In एंड we do discuss offering the lower price may lead to discontinuation among the clients, and they might also start to ask for discounts. ठीक है चलिए था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर थर्टी था दैट वॉज ऑल्सो स्लाइटली ऑन अ सिमिलर लाइन सोनी यहां पर ना कोई एक प्लानिटेरियम है ओके डेली वैली के अंदर

तो बस अपना पार्ट वन का आंसर बस टेन थाउजेंड रुपीज ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकिन पार्ट टू के अंदर दोस्टर्स कि कोई और फैक्टर्स भी हैं क्या ओके okay, तो दैट टाइम वी स्टार्ट टू बी सेइंग समथिंग्स लाइक दिस अदर फैक्टर्स के अंदर कोई भी तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर एक्स्ट्रा लगने वाला है देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी शुड ट्राई टू टॉक ऑफ इट अगर सपोज कोई स्टाफ को वो बुलाओगे वेन एव द शो इज रनिंग शायद उसको कुछ एक्स्ट्रा वगैरह तो वो देना पड़े ओके सो so दे उसकी वजह से अपना ये जो दस हजार रुपया है बढ़ जाएगा लेकिन एक और चीज़ भी है बच्चे लोग वगैरह जब वो स्कूल के बच्चे लोग आएंगे दे माइट यूज़ अ कैफेटेरिया ईट एंड ड्रिंक समथिंग तो इन दैट केस अपने को रेवेन्यू मिलेगा वो रेवेन्यू की वजह से अपना यहाँ पर जो कॉस्ट है जो मिनिमम कॉस्ट है थोड़ा सा और कम हो सकता है and among the other factors first of all in this case such programs will add to the goodwill of the plan uh, the planetarium obviously yes more schools will start to approach the planetarium for such shows and might become a second line of business abhi to ye ek school ke liye kar rahe hain ek school ke liye karenge dheere okay. धीरे the competition will start among the schools only ye like you know kaun sa school jo hai apne kids ke liye aisa wala kaam karta hai so therefore then in that case इक like, अभी हम लोग शायद मिनिमम प्राइस के बारे में वो सोच रहे हैं लेकिन बाद में वी माइट स्टार्ट टू बी चार्जिंग टोटल कॉस्ट टू ऑल सच पीपल सो देयरफॉर इट माइट बिकम अ सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस फॉर अस ठीक है ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अभी उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एग्जैक्टली ऑफ द सेम पर्टिकुलर टाइप ओनली ओके तो यहां पर आपके पास कोई एक ऑर्डर आया है जिसके लिए यू वॉन्ट टू बी कोटिंग द लिस्ट अभी उसके लिए कुछ एक स्टॉक यूज होगा जो नॉन मूविंग था नॉन मूविंग मतलब उसका कोई यूज ही नहीं था शायद कभी ना कभी तो बेचने वाले थे अभी मत बेचो यूज कर लो सो दे फोर द रेलिवेंट कॉस्ट विल बी नथिंग बट द रीसेल प्राइस ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जरा वो याद रखना उस प्रोडक्ट का जो अपने को बेचने का है दस यूनिट बनाने का है

एक और चीज एंड दैट वाज नथिंग बट अदर मटेरियल्स ये सब वो करके अपन लोगों ने एक टोटल मारा डिवाइड बाय टेन यूनिट्स किया तो अपना आंसर कुछ ना कुछ यहां पर वो आ गया था पार्ट टू के अंदर उन लोगों ने जस्ट एक एडवाइस मेरे को तो वो पूछा था पार्ट थ्री के अंदर एडवाइस अ प्राइजिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई डीजल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ना वी ऑल से नो कस्टमर कैन नो सेलर कैन बी सेटिंग द प्राइस दीज गैज अ प्राइस टेकर जो भी मार्केट के ना गोइंग रेट प्राइसिंग होता है विल बी गोइंग फॉर दैट ओनली तो प्राइजिंग इन दिस केस आप लोग कर ही नहीं सकते जो प्राइसिंग है मार्केट के ना चल रहा है आप लोग वही वाला जो प्राइस है वो ऑफर करो अगर बढ़ाया प्राइस का भी तो कोई खरीदेगा नहीं तुमसे अगर कम किया तो धीरे धीरे अदर पीपल विल ऑल्सो रिड्यूस तुम्हारे प्रॉफिट्स के ऊपर और प्रेशर आ जाएगा सो दु दिन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज बेटर टू टेक द प्राइस जो मार्केट के अंदर है ठीक है अभी ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक बार बस मैं यहां पे शॉर्ट्स जो हैं तो वो पढ़ देता हूं अ टू स्टार क्वेश्चन होनी ओके सिमिलर टू द प्रीवियस टू क्वेश्चंस वी द रेलेवेंट कॉस्ट एवरीथिंग इज सिंपल वी फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्लस एंड इग्नोर कॉस्ट बी केयरफुल अबाउट लेबर एज लेबर हैज आइडल टाइम नो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वट वुड बी द प्राइस स्ट्रेटेजी द सेलर इज अ प्राइस टेकर द मेन एम इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड ऑपरेट एट हायर लेवल ताकि अपना जो कॉस्ट है यहां पर और कम हो जाए ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वो सपोज टू बी अ बंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन ऑल कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन को मैं वन स्टार ही देता हूं हमेशा एज अ रूल ऑल्सो ओके सो यहाँ पे यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट टी ई वी याब्जेक्टिव वैल्यू ऑब्जेक्टिव वैल्यू यूजली सेट्स द हाइएस्ट लेवल बिलो विच लाइक नो सॉरी अबब विच योर प्राइस शुड नॉट बी सेट दिज द हाइएस्ट प्राइस कभी भी यहाँ पर कोई सेलर होता है अगर उसको टी ई वी का फंडा यूज करने का है तो सबसे पहले वो क्या करेगा वो सोचेगा अगर कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो वो किसका प्रोडक्ट खरीदा कोई कॉम्पिटेटर का खरीदा उसका सेलिंग प्राइस कितना है तो पहले आप उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेना ठीक है मतलब वो मार्केट वार्केट से आप लोग को पता वो चली जाएगा अगर सपोज एप्पल का फ़ोन एक बंदा नहीं खरीदेगा तो सैमसंग का फ़ोन वो खरीदेगा तो एप्पल कंपनी जो है जब भी यहां पर टीईवी निकालने जा रहे हैं तो पहले सैमसंग का सपोज वो प्राइस लेगा एक सिमिलर फोन का ठीक है लेकिन उसके बाद वो लोग वो सोचेंगे हमारे और उसके प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क क्या है वो फर्क को आप लोग मनी असाइन करो दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल अगर एप्पल के अंदर कोई फीचर्स वो ज़्यादा हैं तो उसका वैल्यू निकालना विच इज नॉट वेरी इजी लेकिन निकालना और ऐड कर देना अगर कुछ एप्पल के ना कम फीचर्स हैं तो आप उसको फिर लेस करना ओके ये करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू उससे ज़्यादा प्राइस कभी नहीं रखना तुम्हारे लिए दैट इज अ मैक्सिमम प्राइस द कस्टमर माइट बी सेलिंग एट ठीक है ये एक चीज़ किया लेकिन इसके बाद तुम लोग को एक और चीज भी बोला था निकालते हो ना उसके बाद परसीव्ड वैल्यू भी निकालना परसीव्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है इट इज अ वैल्यू दैट द कस्टमर असाइंस टू सर्टेन प्रोडक्ट याद रखना दिस इज द वैल्यू दैट द सेलर असाइंस टू द प्रोडक्ट बट परसीव्ड वैल्यू इज द वैल्यू दैट कस्टमर असाइन्स टू द प्रोडक्ट ठीक है अगेन परसीव्ड वैल्यू से ज्यादा प्राइस आप लोग कभी चार्ज ही नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट की उससे ज्यादा कोई वर्थ ही नहीं है ठीक है तो फिर क्या करें हमेशा जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस होता है ना ट्राई क्या करो कि परसीव्ड वैल्यू के थोड़ा सा नीचे रखो ताकि कस्टमर स्टार्ट टू बी थिंकिंग वैल्यू इतना है लेकिन इतने में मिलता है आई विल बी रेडी टू बाई द प्रोडक्ट ठीक है वो वाला एक चीज तुम लोग ध्यान रखा है

सॉरी यू वर अ कंपनी एक्स टू ठीक है जिसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने का इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वगैरह वो आई गया था अगर कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो ये कंपनी का खरीदेगा थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग तुम्हारी कंपनी का एक एडवांटेज है इन दिस केस की सिस्टम ऑफ सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश इज लेस ओके अगर सिस्टम क्रैश होएगा तो वन लाख रुपीज का बायर को फटका लगेगा सो देअ फोर इन दिस केस फाइव माइनस टेन परसेंट इंटू वन लैख दिस इज द एडवांटेज ऑफ सिस्टम एक्स टू लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हायर ये करने के बाद अपने को यहां पर बस जो आंसर है वो आ गया था ठीक है ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था एक और हम लोगों ने नया फंडा स्टार्ट किया था एंड दैट वाज इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अभी ये वाला जो थ्योरी है इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब अगर कभी प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगा वैसा वर्षा ऑल्सो अगर सपोज कभी अगर प्राइस जो है यहां पे कम करोगे डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा इट इज यूजअली अप्लाइड वेरेवर देर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट दिस टेल्स यू किस लेवल तक ऑपरेट करें ताकि अपने को जो प्रॉफिट मिले ना बेटा वो सबसे ज्यादा मिले दैट्स व्हाट वाज आर एम आल्सो ठीक है इट इज द थियोरी दैट यूजेस डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी इट मींस दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस इस इक्वेशन इज पी बोले तो प्राइस ए मतलब द प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो ओके मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने तीन लाख रुपए का प्राइस रखा तो एक भी यूनिट वो नहीं बिकेगा दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट ए बी का मतलब क्या होता है बी इज नथिंग बट डिमांड स्लोप ऑफ द डिमांड आप लोग उसको प्राइस इलास्टिसिटी बी बोल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने अपना प्राइस सपोज पांच से कम किया ना इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा जो डिमांड है हंड्रेड यूनिट से बढ़ जाएगा तो मेरा ये जो बी का वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट इन दिस केस फाइव ओके ये फाइव का मतलब क्या है दिस विल बी नथिंग बट रुपीज फाइव फॉर वन यूनिट ओके रुपीज फाइव फॉर वन यूनिट का मतलब उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपना जो डिमांड है वो वन यूनिट से बढ़ाना है तो आप लोग अपना जो प्राइस है पांच रुपए से कम करो दिस नथिंग बट इन दिस केस स्लोप ओके इसको हम लोग एक सिंबल वो दे देते हैं बी जब मैंने ये वाला थियरी एक्सप्लेन किया था मैंने क्या बोला था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने को प्राइसेस कम करने पड़ते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कीप्स ऑन फॉलिंग मार्जिनल रेवेन्यू मतलब द रेवेन्यू दैट यू गेट ऑन वन एक्स्ट्रा यूनिट लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कीप्स ऑन राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट यू ऑल इनकर फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट बिजनेस तभी तक करने का प्रोडक्शन तभी तक करने का टिल द टाइम एम आर इज ग्रेटर देन एमसी और एम आर इज इक्वल टू एमसी ठीक है वो वाला जो चीज है वी ऑल ट्राई टू बी यूजिंग बस एक छोटा सा चीज जो मैंने आप लोग को वो बोला था कि आप लोग याद वो कर ही लेना एम का जो इक्वेशन होता है ओके बस वो वाला एक चीज तुम लोग याद कर लेना तो एग्जाम्स के ना वो लोग हंड्रेड देंगे तुमको लेकिन आप लोग याद वो कर ही लेना एम आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू ओके तो इन दिस केस यहां पर आ, एम आर जो होता है दैट इज मार्जिन रेवेन्यू उसका इक्वेशन इज ओनली थिंग दैट यू आर गॉट टू बी नोइंग ठीक है तो ये वाला इक्वेशन यूज करके अपने को पता चल जाता है कि ना लेवल टू ऑपरेट क्योंकि ये इसके अंदर ना आपका बैलेंसिंग फिगर विल बी क्यू क्यू मतलब द क्वांटिटी दैट यू गॉट टू बी प्रोड्यूसिंग तो क्वांटिटी यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना ऐसा क्वांटिटी होगा जिससे तुम्हारा प्रॉफिट विल बी ठीक है तो बस पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एन पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू एंड फाइनल सेलिंग प्राइस रहता है एक बार आप लोग को क्यू का बेस्ट वैल्यू वो मिल जाएगा ना आप वो वाला वैल्यू इसके अंदर डाल देना एक बार इसके अंदर ये वाला जो वैल्यू है वो डाल दोगे तुमको उस लेवल के ऊपर हाइएस्ट प्राइस सॉरी बेस्ट प्राइस भी मिल जाएगा बस ओके ज वट एवर वॉज ऑल्सो तो तुम्हारा क्वेश्चन थीरी यूज करने वाले हो तो सबसे पहले हमेशा नहीं दिया जाएगा तो प्लीज आप लोग निकाल लेना पहले कि प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट क्या है सेकेंड इन दिस पर्टिक्यूलर केस यूज द इक्वेशन एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड फाइन आउट द वैल्यू ऑफ क्यू फिर उसके बाद थर्ड Q का वैल्यू जो भी आएगा ओके okay, Q का वैल्यू जो भी आएगा पुट दैट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड फाइंड आउट द बेस्ट वैल्यू ऑफ P. फिर उसके बाद अगर सम बोलेगा कि आप लोग यहां पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन भी निकाल देना तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया रहेगा यहां से वेरिएबल कॉस्ट आपके पास होगा इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स वो कर लेना तो अपने को यहां पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा ठीक है चलो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एटीन सॉरी ठीक है जो आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन था ना वो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही था जो आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन था जो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन था इन दिस पर्टिकुलर केस दैट वॉज ऑल अबाउट यू नो योर एक्सटर्नल प्राइसिंग प्लस योर इंटरनल प्राइसिंग अभी एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्राइसिंग जो था वो ये वाला जो क्वेश्चन था वो कैसा था डब्ल्यू डी कंपनी सॉरी एक यहां पर बी आई एल है जो कंपनी का नाम है ये फर्स्ट डिविजन है ये सेकेंड डिविजन है ये डिविजन मार्केट के अंदर भी बेचता है डब्ल्यू डी को भी बेचता है ठीक है Uh, इस प्रोडक्ट का जो बी बनाता है ओके okay, वो लोग uh, बोगी बनाता है जो ट्रेन के नीचे जो व्हील्स वगैरह होते हैं जो ट्रे जो ट्रे वगैरह होते हैं जिसके ऊपर जो ऊपर वाला जो वैगन होता है जो कंटेनर होता है वो फिट होता है फोर यूनिट्स चाहिए इन दिस केस टू बी मेकिंग वन यूनिट ऑफ डब्ल्यू डी

यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस इन दिस पर्टिकुलर केस वन यूनिट ऑफ द अदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो करके अपना आंसर आ गया था फर्स्ट जब सेकंड वाला काम करने के लिए गए ना उन लोगों ने क्या बोला ये वाला जो डिविजन है ना वो अपना सेलिंग प्राइस सेट करेगा बेस्ड अपॉन द मार्केट सॉरी वो अपना ट्रांसफर प्राइस सेट करेगा बेस्ड अपॉन द मार्केट प्राइस तो बस दैट वाज़ द ओनली डिफरेंस तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा अभी डब्ल्यू का जो कॉस्ट है ना अभी डब्ल्यू का जो कॉस्ट है दैट विल बी नथिंग बट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बी डी दैट विल बी नथिंग बट ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर प्राइस विल बी मार्केट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ मेकिंग डब्ल्यू डी तो ये आ, अपने को करना था तो so, हम लोगों ने ना पहले यहाँ पे बी डी का प्रॉफिट थियरी ऑफ जो मैक्सिमाइजेशन है वो यूज किया हम लोगों ने हाइएस्ट प्राइस निकाल लिया इंटू फोर किया प्लस फोर लैख एट्टी थाउजेंड किया दैट गे वॉज अ कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू डी एंड अकॉर्डिंगली देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी ट्राई टू बी डूंग द रेस्ट ठीक है ये तुम्हारा पार्ट टू था ओके दैट वॉज थिंकिंग द सेम सिचुएशन बट फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स एंगल एंड नॉट कंपनी एंगल फिर उसके बाद यहां पर ना उन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा हुआ हम को को है हम लोग कोई एक न्यू बोगी वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस वो करने वाला है ई क्लास बोगी और उसका अपने पास कुछ पेटेंट वगैरह भी होने वाला है देन वी ट्राई टू बी वी हैड टू सजेस्ट लाइक यू नो दैट विच ऑप्शन इज अ बेस्ट वन सो देन वी ऑल ऑल्सो दैट स्किमिंग ऑप्शन इज अ बेस्ट वन अभी बाई स्किमिंग ऑप्शन वॉज अ बेस्ट वन इन दैट पर्टिकुलर केस क्योंकि स्किमिंग ऑप्शन जो तुम्हारा था ना वहां पर वी विल लाइक टू लॉन्च द प्रोडक्ट एट द हाइएस्ट प्राइस अपने को हाईएस्ट प्राइस के ऊपर लॉन्च करना चाहिए बिकॉज इन बिगनिंग बी नो कॉम्पिटेटर हम लोगों ने वो पेटेंट लिया हुआ है तो कॉम्पिटेटर वैसे भी नहीं आएगा जब पेटेंट विल एक्सपायर न्यू कॉम्पिटेटर्स टू स्किम द मार्केट स्किम द मार्केट मतलब निचोड़ लेने का तो निचोड़ लेने का मतलब यू ट्राई टू चार्ज प्राइस ओवर ओके मोर ओवर आई थिंक दिस बिजनेस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसिंग ट्रेन एंडल फोर इंडस्ट्री के अंदर न्यू कॉम्पिटिशन वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं आएगा बिकॉज देर आर रिस्ट्रिक्शन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल तो शुरू में जितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो दैट विल बी फार फॉर फार बेटर फॉर यू ऑल ठीक है ये हो गया तुम्हारा पार्ट थ्री ऑल्सो एंड दिस एंडेड क्वेश्चन नंबर फॉर अस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉज ऑलमोस्ट द लास्ट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फॉर थियरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये वाला क्वेश्चन वो एग्जाम का क्वेश्चन था एक बार मैं पिछले क्वेश्चन का ना जो शॉर्ट्स है वो पढ़ देता हूं ट्रांसफर रर्ड डिवीजन इज बी डी ट्रांसफर ई डिजन इज डब्ल्यू डी इन पार्ट वन वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपनी हेन्स वी इग्नोर द ट्रांसफर प्राइस डू रिमेंबर दैट वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वैगन And 4 units of bogie are required for 1 unit of wagon. Hence, when we find out the variable cost of wagon for the company, do take the cost of the bogies and uh, do take the cost of 4 bogies and the variable cost of 1 wagon. In part 2, we have to think about the departments and hence transfer price is relevant. it we compute the selling price of BD first, incorporated in the cost of WT, and then find out the best price. In each part, use theory of profit maximization. In the last part, we discuss how skimming for new class boogies, for which we will have a patent. It is capital intensive, and then for such kind of businesses, so skimming is a better option. Question number 20. ये आर का एक क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के ना कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली इट वॉज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन बट इट वॉज ऑन अ कंपनी जो मेडिसिन वगैरह के बिजनेस के अंदर है जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह तो वो बनाता है उनका कोई एक ड्रग है विच इज प्राइस इलास्टिक ओके मतलब उसके ऊपर डिमांड इलास्टिसिटी अप्लाई होता है अगर उसका प्राइस कम किया ना उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा ऐसा उन्हीं लोगों ने दिया हुआ है वो हम लोग नहीं बोला ठीक है तो ऐसे केसेस के ना विच इज द बेस्ट ऑप्शन सो दे यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर थियरी बस इस क्वेश्चन के ना तुम लोग को ए नहीं दिया हुआ था ठीक है दैट वॉज द ओनली थिंग इन दिस क्वेश्चन जो अपने को वो सोचने का था द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट एक तो हाँ एक एक और चीज इस क्वेश्चन के ना वो वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं दिया हुआ था तो आप लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेना दैट वॉज सपोज टू बी द सम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोगों ने हमारा जो लेबर है ना हम लोगों ने हमारे न्यू प्रोडक्ट के लिए वो डाल दिया है इसलिए लेबर हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं तो जो लेबर का कॉस्ट था डायरेक्टली वो दिया हुआ था और एक मशीन का कॉस्ट भी था ठीक है ऑल दी इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट कुछ टू वगैरह शायद कुछ आया था एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट ठीक है तो वेरिएबल कॉस्ट अपने को मिल गया था फिर उसके बाद बेटा अपने को ए भी तो चाहिए था अभी एस क्वेश्चन के अंदर वो नहीं था तो मैं ए कहाँ से निकालू तो ए वी विल ट्राई टू फाइंड आउट यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू तो मेरे पास ये होना चाहिए ये क्वेश्चन के अंदर तो वो दिया हुआ था ओके ये वाला जो लाइन है इसके अंदर अपने को ए मिल गया था Uh, मेरे पास ये नहीं था ये नहीं था और मेरे को ये दोनों चाहिए था ताकि आई कैन ट्राई टू बी फाइंडिंग आउट ए एज बैलेंसिंग फिगर तो ये वाला जो सर्कल मैंने किया ये वाला डेटा वो किधर से तो वो मिलेगा तो सम के अंदर एक लाइन था और वो लाइन इन दिस पर्टिकुलर केस वो क्या था हियर इफ पी इज केप्ट जीरो देन क्वांटिटी विल बी वन मिलियन अभी ये वाला जो चीज है ये मैंने डाला ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जो चीज था वो ऐसा था जरा वो देखना द मार्केट रिसर्च फॉर आर आई एफ एम एन वो मेडिसिन का नाम था दैट फॉर दी रुपीज इन प्राइस डिमांड विल इंक्रीज बाई एट थाउजेंड विध मैक्सिम डिमांड ऑफ वन मिलियन बैचेस आईसी ने इस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया था अगर कभी वन मिलियन बैचेस वो बेचोगे ना दैट इज अ मैक्स डिमांड अभी मैक्स डिमांड कभी हो सकता है इवन प्राइस वॉर सपोज टू बी जीरो तो दिस वॉज वट एवर वी ऑल हैड और आईसी ने वैसा ही सॉल्व किया ओके okay. तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मिलियन का डिमांड चाहिए आप लोग प्राइस सबसे कम रखो ये प्राइस जीरो दिया नहीं हुआ था हम लोगों ने इंटरप्रेट किया था ठीक है इसलिए मैंने यहां पे उसको बोल्ड वगैरह वो नहीं किया हियर इफ पी इज केप्ट एट जीरो ठीक है द क्वांटिटी विल बी नथिंग बट वन मिलियन तो अपने को पी मिल गया था क्यू मिल गया था बी अपने पास था तो यहाँ पे ए वॉज बैलेंसिंग फिगर एक बार ए अपने नॉर्मल क्वेश्चन पहले आप लोग निकाल लेना फिर उसके बाद क्यू को पी की इक्वेशन के अंदर डाल के तो यहाँ पे बेस्ट अपना पी निकाल लेना और फिर शायद सामने अपने हाइएस्ट प्रॉफिट भी बोला था अभी वो लोग कोई ना एक नया ड्रग लॉन्च वो करने वाला है वो कोविड वगैरह टाइप के लिए ऑल दो वो डायरेक्टली वो कोविड वगैरह वो नहीं बोला ओके okay, और अपने को ना उसके लिए प्राइस वगैरह वो चाहिए था और सबने यहां पर भी बोला था अपने पास पेटेंट वगैरा होगा प्रोडक्ट्स का यू ट्राई टू लॉन्च एट द दाइस्ट प्राइस लेकिन हम लोगों ने साथ में ना यहाँ पे एथिकल और मॉरल फैक्टर्स भी बोले कि लाइक यू नो आप मेडिसन का प्राइस इतना ज्यादा वो रखोगे ना लॉन्ग रन के अंदर दैट विल ट्राई टू हैम्पर योर गुड विल्सो सो दे आप लोग अच्छा खासा प्राइस रखो वी आर नॉट से चीप प्राइस के ऊपर लॉन्च करो लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस के ऊपर मेरे ख्याल से तो नहीं लॉन्च करना चाहिए आईसी ने बोला कि स्कीमिंग के हिसाब से लॉन्च करो लेकिन बाकी फैक्टर्स कभी -कभी वो को ऐसा लगता है कि अपने क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मास्क समथिंग ओके So, like, you know, instead of like going for the highest price, you can try to go for a price which is slightly lower than the normal price. Although that normal price can also be restricted because of the government policies. Okay? So, that's the last part. in the last part, the company has launched a new truck which will help to cure a disease like COVID. Although that COVID name was not there, it is patented. Hence, we recommend in this case that company can be going for skimming. But we said few ethical factors also. Okay? Uh, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ठीक है ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जो था ना दैट आई केयर फॉर होमवर्क इट इज मे टू थाउजेंड नाइनटीन का एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन बट इट वाज सपोज टू बी इजी क्वेश्चन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन और समथिंग लेकिन यहाँ पे बहुत चीजें भी आ जाता है वो वाला क्वेश्चन जब भी करते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करके एक चैप्टर आएगा मेरे ख्याल से वो थोड़े uh, देर के बाद सो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट उसके बाद करना क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन है, ठीक है फिर उसके बाद यहां तुम्हारा इन लाइक दिस कोई एक एयरलाइन कंपनी है उसकी बैंड बजी हुई है उसका जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह है दोन कि जो फ्यूल है बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है उनके बहुत सारे कॉस्ट आर डॉलर के अंदर तो वो लोग वो इंटरनेशनली भी फ्लाई करते हैं और डोमेस्टिक भी फ्लाई करते हैं ओके जो इंटरनेशनल फ्लाई वगैरह जब वो करते होंगे उनके कॉस्ट भी डॉलर्स के अंदर ही लगते होंगे और डॉलर का वैल्यू हैज़ गॉन अप रूपी का वैल्यू हैज़ गॉन डाउन तो ऑटोमेटिकली कंपनी सफरिंग प्लस यहां पर लो कॉस्ट कैरियर्स मतलब जो बजट एयरलाइंस होती हैं ऑल दोज एयरलाइंस हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू कम तो अपना जो बिजनेस है डिस्टर्ब होना स्टार्ट वो हो ही गया अपनी बैंड बजी हुई है पूरी की पूरी ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्मेंट इज ट्राइंग टू एनकरज सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बिकॉज इट स्टार्ट टू रियलाइज दट द एयरलाइन इंडस्ट्री इज वेरी गुड फॉर द कंट्री सो देर फो दे ट्राई टू लाइक यू नो प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्दो द टैक्स स्टिल रिमेन वेरी हाई अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज्यादा है एंड द कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू पे अ हायर प्राइस एज सच ठीक है और उन लोगों ने यह भी बोला कि लाइक यू नो पिछले साल अपने को प्रॉफिट था लेकिन इस साल देर हैज बीन अ मेगा लॉस तो ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स वर देयर और अपने कंट्री के ना जो फ्यूल प्राइसेस हैं दैट वर वेरी हाई यू हैव टू ट्राई टू सजेस्ट लाइक यू नो कि कंपनी को कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू गेट सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कंपेटेटिव एडवांटेज अब ये वाले केस के अंदर मैंने तुम लोगों को कुछ ऐसे बताया था कि मोस्ट इन सच काइंड ऑफ केसेस लाइक यू नो हर एक कंपनी के पास यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो वो सुपीरियर परफॉर्मेंस uh, और कंपेटेटिव एज के लिए कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमे में कंपटीशन एंड इट हैज टू बी गिविंग द कस्टमर्स दे ऑल वॉन्ट बिजनेस इज रन ठीक है तो फिर अपने को क्या करना चाहिए वी हैव थ्री स्ट्रैटेजीज फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी मार्केट को टारगेट करो एंड ट्राई टू हैव रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज मतलब ट्राई टू ऑपरेट विद लीस्ट कॉस्ट ट्राई टू अटेन कॉस्ट लीडरशिप वो एक एयरलाइन कंपनी के लिए कैसे हो सकता है सेलिंग द सीट्स थ्रू इंटरनेट इंस्टेड ऑफ अ ट्रैवल एजेंट तो अपना जो कमीशन का कॉस्ट है वो बच जाएगा ट्रिमिंग दी ओवर हेड कॉस्ट लाइक यू नो बाई ट्राइंग टू हैव लाइक ऑल द आइडियाज लाइक वी माइट नॉट पार्क आर एयरक्राफ्ट एट द प्रीमियम एयरपोर्ट्स ओके उसके बाजु में कोई लोकेशन वगैरह है यू ऑल कैन ट्राई टू पार्क वे तो अपने जो पार्किंग कॉस्ट वगैरह है वो कम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे नो प्रिंटेड टिकट्स तो यहाँ पे जो क्यू आर कोड बेस्ड सिस्टम है यू कैन ट्राई टू बी गोइंग फॉर दैट फिक्स सीट एलोकेशन जो कस्टमर लोग हैं उन लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वो नहीं देने का इफ दे ऑल वॉन्ट पे एक्स्ट्रा फॉर इट नो फ्री मील्स एंड ड्रिंक्स एफिशियंट ऑपरेशन ट्राई टू यूज द कपैसिटी टू द बेस्ट ओके यहां पे कस्टमर लोगों को कोई फ्लेक्सिबिलिटी मत दो वन मोर टाइम मतलब इन दिस केस नो एक्सेप्शन नो एक्सेप्शन पॉलिसीज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द हैंडलिंग एक्सेप्शन इन दिस केस तो लाइक यू नो नो फ्लेक्सीबिलिटी टू द पैसेंजर्स हु अराइव लेट और एक एच वाला पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट लाइन पर वो होना चाहिए था कॉस्ट इकोनॉमीज कैन ऑल्सो बी रियलाइज फ्रॉम द लार्ज स्केल ऑपरेशन सो दे ट्राई टू हैव लार्ज स्केल ऑपरेशन उसका पॉइंट नंबर टू डिफरेंशियल एडवांटेज या डिफरेंशिएशन एडवांटेज सॉरी जो डिफरेंशियल दिफ्रेंश, डिफरेंशिएशन एडवांटेज जिसको हम लोग प्रोडक्ट एडवांटेज या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं यहां पर आप लोग क्या करो अपना जो सर्विसेज है ना ट्राई टू ऑलवेज प्रोजेक्ट लाइक दिस ओनली हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग जो सर्विस ऑफर करते हैं वैसा और कोई नहीं करता दिस काइंड ऑफ एयरलाइंस कैन बी गोइंग फॉर दैट ऑल्सो अगर ऐसा करने का है तो फ्यू ऑफ द आइडियाज एट वी ऑल गेव की प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स दैट कैन बी देर यूजिंग सुपीरियर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी द जो एंटरटेनमेंट होता है द फ्लाइट वगैरह दैट कुड बी गुड फिर उसके बाद वेल मेंटेन क्लीन एंड कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट सीट शुड भी बिग ओके वो रिक्लाइनर सीट्स वो होनी चाहिए जो लेगरूम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए उसके बाद ट्राइंग टू हैव गुड स्टाफ हु इज पोलाइट हु इज गुड टू दिस पर्टिकुलर पीपल रिक्रूटमेंट ऑफ हाई क्वालिटी स्टाफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसज सच एज इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक अपार्ट फ्रॉम देट यहां पर यू कैन ट्राई टू हैव हाई बैगेज अलॉइंस ऑल्सो सो दट ऑल्सो डिस्कस ठीक है और अगर कंपनी को पूरी इंडस्ट्री को टारगेट वो नहीं करना तुमको एक थर्ड ऑप्शन भी बोला था ट्राई टू तो गो फॉर फोकस स्ट्रैटेजी फोकस स्ट्रैटेजी मतलब पूरे मार्केट को नहीं टारगेट करने का ट्राई टू ओनली ट्राई टू टारगेट अ स्मॉल सेगमेंट लेकिन उस स्मॉल सेगमेंट के अंदर भी यू शुड ऑलवेज ट्राइंग टू बी थिंकिंग वुड वी लाइक टू गो फॉर कॉस्ट लीडरशिप और वुड वी लाइक टू गो फॉर इन दिस पर्टिकुलर केस डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी ओके तो फोकस स्ट्रैटेजी इट सेल्फ डज नॉट हेल्प अ कंपनी टू बी डूइंग गुड बॉस इन दिस केस यू शुड ट्राई टू बी थिंकिंग फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर अगेन वुड वी लाइक टू गो फॉर अ लोअर कॉस्ट और वुड वी लाइक टू गो फॉर अ डिफरेंसिएशन स्ट्रैटेजी ठीक है दैट सेट वॉज अबाउट पार्ट थ्री है सच फिर उसके बाद यहां पर आइडियाज फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ना ये जनरल आइडियाज हैं ओके जर्नल आइडियाज मतलब चाहे आप लोग कोई भी स्ट्रैटेजी तो वो फॉलो करो यू कैन ऑलवेज बी यूजिंग देम फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर केस ट्राई टू इंक्रीज द डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू ऑफसेट करंट फ्लक्चुएशन जो आपकी लीज एग्रीमेंट्स वगैरह भी हैं जो एरोप्लेन वगैरह के वो आप लोग अगर इंडियन कंपनीज के साथ करोगे दिल बी फार बेटर क्योंकि फिर वो डॉलर का फ्लक्चुएशन विल नॉट अफेक्ट यू अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अपना जो uh, जो फ्यूल कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था बिकॉज ऑफ टैक्सेस वगैरह याद रखना इस फालतू सजेशन मत देना कि सर वी विल टेल द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द टैक्सेस वगैरह वो सम के अंदर भी दिया हुआ था एंड दूस ऑल अनकंट्रोलेबल थिंग्स आप लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो ठीक है तो ए इन दिस केस एयर टर्बाइन फ्यूल कैन ऑल्सो बी लोअर्ड बाई इन्वेस्टिंग इन फ्यूल सेविंग डिवाइस अभी एयरक्राफ्ट वालों के लिए फ्यूल कॉस्ट इज यूज वेरी हाई तो अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे फ्यूल वगैरह बचता है like, you know, चलो तो यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अपना लास्ट क्वेश्चन यहां पर अपने को ना दो कंपनीज का डेटा जो है तो वो दिया हुआ था और ये जो दो कंपनीज का डेटा था दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट एक डब्ल्यू डी कंपनी है एक यहां पे डब्ल्यू जी कंपनी है आपको बताने का था इनमें से कौन सी कंपनी फॉलो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कौन सी कंपनी फॉलोज लो कॉस्ट एडवांटेज मॉडल तो इन दैट केस ना हम लोगों ने क्या बोला भाई इस कंपनी का सेल्स ना इस कंपनी से डबल है बॉस ओके तो आप लोग एक तो ना डायरेक्टली दो कंपनीज का शायद डेटा कंप्यूट ना कर सको डायरेक्टली कंपेयर वगैरह वो ना कर सको वी एफ कन्वर्टेड अ कॉमन बेस ऑफ हंड्रेड तो ये हंड्रेड लिया फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ये 45 आ गया था तो ये 55 आ गया था फिर उसके बाद ये 35 और ये 20 अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ 60 था 40 था फिर उसके बाद ये 30 था और ये 10 था एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर बोथ द कंपनीज आर डूइंग गुड देयर बॉटम लाइन इज सेम होनी दैट इज रुपीज फोर लैक्स ऑफ प्रॉफिट सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओके बट वी हैव टू बी जस्ट सेइंग लाइक यू नो दैट विच कंपनीज फॉलोज वट तो इस कंपनी का पी वी रेशो वॉज हायर तो पी बी रेशो इज़ हायर दैट विल यूजुअली हैपन वेन सेलिंग प्राइस इज हायर सेलिंग प्राइस विल भी हायर वेन कंपनी फॉलोज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी और ऐसी कंपनीज का यूजुअली फिक्सड कॉस्ट भी ज़्यादा ही होता है इट वॉज थर्टी फाइव एज कंपेयर टू थर्टी सो वी ट्राई टू बी सिंग दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी विल बी फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ऐसी कंपनीज का फिक्स कॉस्ट इज हायर बिकॉज ऑफ हायर इनोवेशन हायर फिक्स कॉस्ट हायर ब्रांडिंग कॉस्ट ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है इससे तुम्हारे जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया था वेयर पी वी रेशो इज हायर इट फॉलोज अ डिफ्रेंसियल इट फॉलोज अ डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी हेयर द फिक्स कॉस्ट इज रेलेटिवली हायर वेर पी वी रेशो इज लोअर इट फॉलो इज लो कॉस्ट एडवांटेज मॉल हेयर फिक्स कॉस् इज ऑल्सो रेलेटिवली लोअर ठीक है उसके साथ आपका जो ये वाला सारा का सारा चैप्टर था दैट वॉज ऑल ओवर डू लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू ऑल दीज नोट्स डू कम ऑन आर टेलीग्राम चैनल ऑल दीज वीडियोज फर्स्ट टाइम दे आर रिलीज ऑलवेज ऑन आर टेलीग्राम चैनल ओनली थैंक यू गाइज आई सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक एडवांटेज ऑफ दिस दिस इन अ सुपर क्विक टाइम थैंक यू बाई